अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शामिल आप सभी को एक ऐसे ब्लॉग में। और आज मैं विजिट करने जा रहा हूँ दोहा एक्सपो जो जहाँ पर 3 मिलियन लोग विजिट करने वाले हैं। तो हम लोग भी उस इवेंट में शामिल होने के लिए और वहाँ का नज़ारा और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर विजिट करके देखेंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। अभी तो मैं मेट्रो के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको दोहा एक्सपो के लिए आना है तो आप कुरने से आइए, बहुत इजी हो जाएगा। कुरने से आपको बहुत इजी में पड़ेगा, कुरने से आप सामने मिल जाएगा। रीजन बहुत अच्छा है कुरने से, जो अगर अलविदा से आते हैं तो बहुत लाभ हो जाएगा आपको। वहाँ से दूसरी वहाँ पर पैदल चल के आना होता है, वहाँ पर गाड़ी रहती है, वो लोग ला के छोड़ेंगे आपको। तो आप अच्छा है कि आप कुरने से आकर आप जैसे ही कुरनेश की मेट्रो से निकलेंगे बाहर, इस तरह से नज़ारा मिलेगा आपको। और आप इस तरह से फॉलो करते हुए अपना चेकिंग वगैरह करके अंदर घुस जाएंगे तो इस तरह से नज़ारा मिलेगा। हम सबसे पहले कतर का जो इवेंट हुआ है, कतर जो अरेंजमेंट किए हुए हैं, अपना कल्चर क्या दिखा रहे हैं वो देखने के लिए अंदर जाते हैं। पहले हम शुरुआत कतर की ही इवेंट से शुरू करेंगे। यहाँ पर अपने अपने पूरे सारे कंट्री हैं, अपने अपने जो कल्चर है वो फ्यूचर में क्या करते हैं वो सब कुछ दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस इवेंट से शुरू करेंगे कतर का। सबसे पहले शुरुआत करते हुए हम लोग देखेंगे कि आगे अंदर क्या क्या ये अरेंजमेंट किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो कतर दिखा रहे हैं फ्यूचर में जो जो चीज़ें ये करने वाले हैं, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उसको किस तरह से हैंडल करेंगे और क्या क्या अपने बदलाव लाएंगे, ये सब कुछ इस इवेंट में, मतलब ये जो एक्ट वगैरह करके दिखा रहे हैं अपना फ्यूचर प्लानिंग, ये सब कुछ इसमें कतर एक्सपो में अपना बता रहे हैं कि किस तरह से वेदर को बचा सकते हैं और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह से बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ इस LED में दिखा रहे हैं ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ये देखिए लुसेल का जो पैलेस वगैरह है होटल, तो उसको दिखाए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार इस तरह से बना के दिखाए हैं। यहाँ से म्यूज़िक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से ये दिखाने की कोशिश की है कि जो ग्रीन जो बागवानी किस तरह से करना है, ग्रीन सिटी किस तरह से बनाना है, सब कुछ ये दिखाए गए हैं। और जिस तरह से दुनिया ग्लोबल वार्मिंग में मुब्तला है वो सब कुछ उसका इलाज किस तरह से करेंगे ये लोग, ये दिखाए हैं इस LED में। तो आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसमें तो समझ में नहीं आया दिखता रहे। अभी देखिए ये ग्रीन सिटी किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कितना अपना फ्यूचर प्लानिंग दिखा रहे हैं कतर वाले। तो आप फ्यूचर प्लानिंग देख सकते हैं यहाँ जो कतर का प्लानिंग आगे का क्या करने वाले हैं ये लोग। तो ये पहले ही बता रहे हैं यहाँ पर जो एक कतर एक्सपो जो चल रहा है उसमें अपना फ्यूचर प्लानिंग कतर दिखा रहा है। ये कतर का मैं दिखा रहा हूँ, आगे चलकर दूसरे कंट्रियों का भी देखेंगे ताकि वो लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग बाहर निकलेंगे तो इस तरह से नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन सिटी बनाए हुए हैं। ऊपर की तरफ चढ़ के मैं देखूंगा कि क्या दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी जाकर देखेंगे। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये अरेंजमेंट किए हुए हैं और यहाँ से हम बहुत खूबसूरत नज़ारा देख पाएंगे। वाह वंडरफुल, ये कतर का ये जो इस सिटी है यहाँ का मज़ा हो रहे हैं।
तो गैस आगे बढ़ते हैं। ये जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है LED बहुत स्क्रीन पर ज़बरदस्त बनाए हुए हैं, आगे पीछे सब कुछ वीडियो बनाया हूँ मैं। तो हम लोग यहाँ पर अंदर जाएंगे तो ये है अपना सऊदी अरब, जो अपना फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सऊदी अरब का है, हम लोग इसमें एंटर करेंगे सऊदी अरब, किस तरह से अपना फ्यूचर प्लानिंग है ये सब कुछ हम अंदर जाकर भी देखेंगे। और बाहर ही देखें कितना खूबसूरत बनाए हुए हैं माशाल्लाह, इनका फ्लैग बुलंद रहे हम आमीन। हम लोग दुआ करते हैं इस कंट्री को अता फरमाए। और अंदर जाएंगे तो इस तरह से दिखाएगा कि ये जो आने वाली सिटी है नोमान या क्या नाम है इसका, इस तरह से ये अपने कंट्री में किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ फ्यूचर प्लानिंग जो प्रेजेंट है वो सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कतर के एक्सपो प्लानिंग में। और ये यहाँ पे अपना जो कल्चर है, अपने एनिमल्स क्या क्या हैं उस कंट्री के, सब कुछ दिखाया गया है ये। और आगे प्लानिंग क्या कर रहे हैं सब कुछ ग्रो देखिए आप, तो इस तरह से टच करेंगे आपको क्या क्या ये लोग प्लान कर रहे हैं सब कुछ आप जान पाएंगे यहाँ पर खड़े हुए। और टच स्क्रीन पे भी और LED में भी अपना बनाकर दिखाए हैं। और ये देखिए ग्रीन सिटी किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब कुछ प्लानिंग में, आगे वाले आप फ्यूचर में देखिए देख पाएंगे। और ये देखिए आप टच करेंगे आप दुनिया का नक्शा इस पर देख सकते हैं और आप कहाँ खड़े हैं, मतलब जो जो आप देख पाएंगे यहाँ पर आप टच करके देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं टच करके भी देखा। और चलो आगे चलकर ये देखिए कितना खूबसूरत, वाह ज़बरदस्त है ना, बहुत ही ग्रीन सिटी है, अंदर LED लगाए हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हम पेड़ पौधा लगाते हैं जड़ों मजबूत होते हैं, किस तरह से LED में ज़बरदस्त दिखेगा आपको। जब आप जाएंगे ना तो विजिट कीजिए ताकि आपको देखिए कितना अनार का झाड़ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही माला है ये LED में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना खूबसूरत ये वाटर वगैरह सब कुछ देखिए कितना ज़बरदस्त है ना। तो आप भी जब जाएंगे तो इस तरह से देख पाएंगे कि सऊदी अरब का है ये प्लान, मतलब इनका प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से है और अपने कंट्री को वेलकम भी कर रहे हैं। तो हम लोग भी इंशाल्लाह सऊदी अरब का भी विजिट करेंगे और यहाँ का कल्चर वगैरह ये LED पर अपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे ही जाएंगे कतर एक्सपो में ये सब कुछ मिलेगा आप। तो हम लोग कुवैत की तरफ चलते हैं, कुवैत क्या अरेंजमेंट क्या है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कुवैत भी जब कुवैत का जब आप इसमें जाएंगे कैंटर में किंतनी में तो बहुत ही ज़बरदस्त है और छोटा सा है मगर अच्छे बनाए हुए हैं ये LED बाहर लगाए हुए हैं। अंदर जाएंगे तो थोड़ा बहुत ही LED में आपका अपने कंट्री में जो बागबानी है वो थोड़ा बहुत दिखाए हुए हैं, थोड़ा भी खास है मगर वो अपने तरफ से दिखाएं जितना दिखाना है वो दिखाएं। देखिए स्क्रीन पर भी आप टच कर अब उनके कंट्री के जो एनिमल्स हैं उनके झाड़ वगैरह देखिए, ये वहाँ का शायद पक्षी नेशनल पक्षी परिंदा होगा ये कतर एक कुवैत के, जब बाहर आएंगे तो इस तरह से नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत है, आप फोटो भी ले सकते हो। ये जो है GCC कंट्री जो करफ कंट्री एक सऊदी अरब हो या कतर हो गया, इस तरह से चार पांच कंट्री का एक है ना, ये तो अरब कंट्री का ये दिखाए गए हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो बादशाह हैं वो सब कुछ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो वगैरह लगे हैं, इनकी फ्यूचर प्लानिंग वगैरह इसमें दिखाया गया है और जो पास्ट में जो बादशाह रहे हैं उनके फ़ोटो वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं। अब जाएंगे तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर भी आप विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा है। ये GCC कंट्री का है, जैसे कि दुबई कतर सऊदी अरब क्या बोलते हैं ओमान और सब मिलकर ये बनाए हुए हैं। तो आप जब जैसे ही जाएंगे एक्सपो कतर एक्सपो में तो ये सब देख पाएंगे आपने, तो ज़रूर जाना है। इसको भी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ये भी मिस ना करिए ताकि यहाँ का भी इनका फ्यूचर प्लानिंग। तो दोस्तों हम तुर्किया के पास आ गए हैं, तुर्की का जो नेशनल जो बागवानी है वो सब कुछ इसमें देखेंगे, थोड़ा बहुत है यहाँ पर तो तुर्की का भी थोड़ा बहुत विजिट कर लेते हैं। तुर्की में जो झाड़ वगैरह रहते हैं उनका ट्री वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर दिखाए हैं, बाहर में बाहर से लिया हुआ हूँ तो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर जो प्लानिंग चल रही है वो सब कुछ यहाँ पर सजाए हुए हैं, यहाँ का तुर्की का झाड़ है ये, वो भी ला के यहाँ रखे हुए हैं और तुर्की में कौन से झाड़ पैदा होते हैं ये सब कुछ यहाँ ला के बागवानी में दिखा रहे हैं। तो ये तुर्की का है
ये बाहर से मैं बांग्लादेश का देखा, थोड़ा बहुत देखा हूँ, अंदर नहीं जा पाया क्योंकि एक एक जाने पे बहुत टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा बहुत बाहर से ही देख लिया। ये कंट्री भी देखी है, उसमें भी बाहर से ही देख लिया मैंने। और ये जो है ना जापान वाले बनाए हुए हैं, बहुत ही आला है, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद आया। जापान वाले क्या प्लानिंग करें, वो तो जापान जापान है यार, वो जबरदस्त सजावट है बाहर, ये बाहर का नज़ारा है। तो मैं बाहर से ये लिया हुआ हूँ, जापान वाले अरेंज किए हैं। इनका फ्यूचर प्लान जो ग्रीन सिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, बागवानी के लिए, ये सब कुछ बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही आला है, बहुत ही आला है। यहाँ पर भी आप जाएंगे तो थोड़े बहुत अच्छे से फ़ोटो ले लीजिए, बहुत अच्छे फ़ोटो इधर आएंगे। तो मैं भी एक चार पांच फ़ोटो इधर भी क्लिक किया हूँ। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खूबसूरत ये सब जाए हैं, इनका तो बहुत ही अलग है। और थोड़े अंदर जाकर हम थोड़ा बहुत देखेंगे जापान का ही थोड़ा। अभी ये जो गोल गुम्बद दिख रहा है ये भी जापान का है, तो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ के नेशनल झाड़ा हैं, ये सब कुछ वहाँ के जो लोकल झाड़ रहते हैं ना, वहाँ से ला के ये आपको शो कर रहे हैं। देखिए ये बम्बू वगैरह का वहाँ से ही कल्चर शुरू हुआ है। तो आपको आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जापान भी किस तरह से अपने बागवानी के लिए क्या क्या कर रहा है, फूलों का इनका नेशनल फूल है ये सब कुछ, तो ये ला के रखे हुए हैं। जापान का भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर गुम्बद वगैरह बहुत खूबसूरत है, अच्छा है यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं जापान से भी देख कर आया हूँ, और देखते देखते बहुत ही नज़ारे बहुत अच्छे हैं। मगर अभी क्या है, हम लोग सारे कंट्रियों में विजिट नहीं कर पाएंगे, जितने हम कंट्रीज का विजिट कर पाएंगे वही बाहर से देख लेंगे, ताकि टाइम भी बचे और सब कुछ देख पाएँ हम लोग। तो ये तो जो कंट्री कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। इस कंट्री का नाम मैं पढ़ना भूल गया। अच्छा ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि दूसरी कंट्री क्या है। ये अलग अपने अपने कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो सब कुछ दिखा रहे हैं। हर कंट्री वर्ल्ड जितना भी दुनिया में दुनिया का है, ये देखिए सब कुछ जो है ना अपने कंट्रीज़ के लेकर दिखा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, आप भी आएंगे तो आप इस तरह से देख रहे हैं, हर जगह आप विज़िट कीजिए, जितना हो सकता है उतना विज़िट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर इस तरह से ये अपने कंट्रीज़ के कल्चर दिखाने में कोशिश कर रहे हैं। वो सब कुछ हम देख कर थोड़ा बहुत सीख लेंगे, वहाँ से भी देख पाएंगे कि हम तो उस कंट्री में विज़िट नहीं कर पाएंगे, फिर भी यहाँ पर कतर में आप ये लेकर आए हैं अपने कंट्री के कल्चर वगैरह, तो हम लोग देखना पड़ेगा, देख कर हम लोग थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। तो मैं चलूँगा अभी थोड़ा दूर पे, थोड़ा अभी ये जो है ना ये ब्रिज है, जब ये पार्क बना हुआ था तो बहुत बड़ा पार्क है ये, तो बीच रोड में जो रोड आता है उस वहाँ पर ब्रिज बनाए हुए हैं ताकि लोग इधर से उधर होने के लिए। तो ये जो पार्क है बहुत बड़ा है, जब ओपनिंग हुआ था तो शेख तमीम साहब आकर ओपन किए थे। तो यहाँ से आपको बहुत ही सिटी सेंटर का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है, आप जब भी आएंगे यहाँ पर तो ये पार्क में इस तरह से वीडियो वगैरह मतलब सेल्फी फ़ोटो वगैरह सब कुछ लीजिए, ताकि यादगिरी रहे। आप जब भी कंट्री से जाएंगे तो आपको इस तरह से तो यहाँ देखिए जहाँ ला के खड़ी हुई है, और मैं भी यहाँ पर खड़ के देख रहा था कि कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप भी यहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप भी आके आप एक्सपो का भी देखिए कितना खूबसूरत सजाए हुए हैं। तो आगे चलते हुए जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे अभी देख सकते हैं, गाड़ी में भी जा सकते हैं आप जितने कंट्रियों के जो स्टॉल लगे हुए हैं वो कंट्रियों के खिलाफ देखिए, सारे कंट्री मेरे ख्याल से वर्ल्ड पूरे सारे कंट्री, एक कंट्री को छोड़ के जो सुल्तान कंट्री है इसराइल, वो कंट्री को छोड़ के सारे कंट्रियों की विजिट यहाँ पर अपना कल्चर दिखाने का मौका मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो पार्क का खूबसूरती है वो देखिए, ये तो हर हमेशा रहने का है क्योंकि ये पार्क में ये सब कुछ हर हमेशा मौजूद रहता है। ये जो पार्क है बहुत सालों से यहाँ पर, ये देखिए आप ये कतर एयरवेज वाले जो अपना अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। जब कतर एयरपोर्ट में जाएंगे तो इस तरह से भी दिखता है, जो ये हमारा जो मेरा फेवरेट जो रखे हुए सामने देखते हैं, तो ये
सब कुछ कतर एयरवेज का सजावट है। ये अपने कहाँ कहाँ विजिट करती है, सब कुछ लगाए हुए हैं कतर एयरवेज। जब हम कतर एयरपोर्ट में जाते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे हम वहाँ पर किस तरह से सजावट है। अभी देखिए यहाँ पर ताजमहल को भी रखे हैं। कतर एयरवेज पूरे दुनिया का कल्चर दिखा रहा है क्योंकि कतर एयरवेज तो हर कंट्री में जाती है, तो ये लोग सजाए हुए हैं। पीछे पीछे जापान का है, तो वहाँ का खूबसूरती देखिए, बागवानी भी बची है, कितना खूबसूरत सजाए हैं झाड़ पर। तो हम लोग ये देख सकते हैं कतर एयरवेज अरेंज किए हुए हैं। ये कतर एयरवेज मेरा फेवरेट एयरलाइन से ये मैं हर कभी भी इंडिया जाता हूँ तो कतर एयरवेज ही लेता हूँ। अब देख सकते हैं वाह, ये भूल भुलैया बनाए हुए हैं, मैं भी जाऊँगा तो अंदर इस तरह से गोल बगल के, ये बहुत खूबसूरत है। आप अंदर आएंगे तो कतर एयरवेज का स्टाम्प लगा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, कतर एयरवेज का तो हो गया, और भी दूसरा थोड़ा बहुत बाहर है वो भी देख लेंगे थोड़ा सा, कितना अभी बाकी है। मैं यहाँ से निकल के सीधा जाऊँगा, थोड़ा मेट्रो तक चले जाएंगे, दूसरे मेट्रो है ना वहाँ तक चले जाएंगे, तो थोड़ा बागवानी देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे तो आप लोग बागवानी जो झाड़ को किस तरह से आप उगा सकते हैं सब कुछ सिखाने चाहिए। मतलब एक टीचिंग सेंटर है, आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टीचिंग सेंटर किस तरह से होता है। तो आप इस तरह से विजिट करके आप देख सकते हैं यहाँ पर झाड़ों को किस तरह से आप लगाना वगैरह सब कुछ करना है ये सब कुछ। और यहाँ पर देखिए झाड़ों का कितना रिसर्च सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग अपना झाड़ों का टीच कर रहे हैं, किस तरह से डालेंगे तो क्या क्या मिलावट करके आप मिट्टी वगैरह डालेंगे तो झाड़ को इम्प्रूवमेंट होने का ये सब कुछ आपको पता चलेगा है। ये सब कुछ ये रखे हैं कि आपको सिखाने के लिए, ताकि आप फ्यूचर में जब भी झाड़ वगैरह लगाएंगे तो किस तरह से लगाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना, बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पर जो एप्पल वगैरह अंगूर किस तरह कौन सा झाड़ किस तरह से लगाना है ये सब टीच करते हैं यहाँ पर बाकायदा। ये फूलों का ये सब कुछ लगा कर दिखाने के लिए टीचर भी मौजूद है। और भी यहाँ पर इंस्टॉल बन रहे हैं, मगर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इतना बनाकर भी कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर देखिए बच्चे वगैरह कितना खूबसूरत से खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। और बागवानी देखिए इस पार्क में तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इधर देखेंगे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, सब कुछ ये हारो मार्ग से दिखा देंगे आपको। और यहाँ पर गाड़ी वगैरह रहती है, आपको ड्रॉप कर देंगे ये फ्री में। मैं तो चल के जा रहा हूँ कि ताकि आपको वीडियो दिखाऊँ। तो अभी मैं मेट्रो के करीब आ गया हूँ, और देखिए यहाँ पर कितने कंपनियों का प्लाग वगैरह लगाए हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत दिखता है। आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा आपको। कभी भी आएंगे तो आप घूमने से निकल कर यहाँ पर आइए। यहाँ पर देखिए पुराने खंडरा का अभी तक बा, तो अलविदा में पा रहा अलविदा से आप निकल कर मैं मेट्रो में जाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं, एक रात के वक्त का नज़ारा भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, ताकि आपको रात में भी किस तरह से दिखेगा कतर एक्सपो में भी दिख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा कि हम लोग जीसीसी के पास, उससे पहले थोड़ा बहुत दूसरे कंट्री का भी देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आप जीसीसी के पास देखिए कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है रात के टाइम पे। यहाँ LED बाहर लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुवैत का ये आकर सऊदी अरब और हमारा कंट्री कतर का सब कुछ यहाँ का कल्चर वगैरह LED में बाहर दिखाते हैं, तो बहुत खूबसूरत दिखता है। ओमन का दिखा रहा है, कुवैत का, सऊदी अरब, जिस जितने भी गल्फ कंट्री है उसका है। जब वर्ल्ड कप हुआ था इस तरह से ये सब कुछ कल्चर दिखा रहे हैं। तो हम लोग ऊपर चल के भी देखेंगे कि किस तरह से खूबसूरत शहर दिखाई दे रहा है और एक्सपो का कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत दिख रहा है, रात का नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर देखेंगे आप खड़ के देखेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। आप सामने देखिए LED रखा हुआ है, पानी जिस तरह से गिरता है उस तरह से ये LED में दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में दूसरा व्लॉग बनाएंगे। और भी बहुत बड़ा है ये जो एक्सपो का जगह वगैरह सब कुछ, तो इतना भी नहीं ले सकते हम लोग,
इसीलिए थोड़ा बहुत लिया हुआ हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हर कंट्री का जाकर कल्चर देखेंगे थोड़ा बहुत। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे चलकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट सब कुछ कर लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको जो भी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगे और मुझे भी अच्छा लगे कि जब इम्प्रूव होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। हम इसलिए बोलते हैं लाइक कमेंट करो कि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे। तो अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।